पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के 19वें शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। चलिए जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। परिचय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था। यह राज्य ऐसे थे जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। इस समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान उत्पन्न हुई। बांडुंग सम्मेलन के 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उद्देश्य, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों का सम्मान, सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, देशों और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, आपसी सम्मान और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा और प्रचार। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का सम्मान, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, किसी भी राज्य या राज्यों के समूह को किसी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहे जो भी मकसद हो हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, मानव जाति को प्रभावित करने वाली समस्याओं को बातचीत और सहयोग के माध्यम से हल करने के लिए उपयुक्त ढांचे के रूप में बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संगठनों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अंत में देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक और इसके बाद महत्वपूर्ण सदस्यों में से है और 1970 के दशक तक भारत ने इस आंदोलन की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, किंतु 1970 के दशक के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की स्थिति बदलने लगी और सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव बढ़ने लगा, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के उद्देश्यों को लेकर छोटे देशों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अंततः इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति कमजोर हुई और अधिकांश छोटे देश या तो अमेरिका की ओर या फिर सोवियत संघ की ओर अग्रसर होने लगे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यह वह समय था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की ओर झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर एक बार पुनः प्रश्न उठने लगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत के झुकाव में कमी का कारण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति का अभाव दिख रहा है और इसमें शामिल अधिकांश देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं। अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्यों में परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति भी शामिल है। देखते हैं अब आज के अभ्यास प्रश्न को।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था। दो, 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।